क्या वाकई आपने मान लिया है ये चीज? अमीषा जी, अजय कुमार सिंह ने आपको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे या नहीं? अमीषा जी कुछ तो कहिए, क्या अजय कुमार सिंह ने आपको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे? बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को अमीषा पटेल मुंह ढक कर रांची सिविल कोर्ट में पेश होने पहुंची। इसके बाद अभिनेत्री ने सरेंडर कर दिया। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुमर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया था। उन पर पैसे लेकर म्यूजिक एल्बम नहीं बनाने का आरोप है। इसके अलावा उन पर धोखाधड़ी और धमकाने का भी आरोप है। इसी मामले में पिछले दिनों रांची सिविल कोर्ट ने अभिनेत्री को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। बता दें कि अरगोड़ा निवासी अजय कुमार सिंह ने यह केस 17 नवंबर 2018 को सीजेन कोर्ट में की थी। आरोप है कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने अजय कुमार सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कदम नहीं उठाया। जी एक्चुअली मामला है कि जब हमने इन पर केस किया था, हमने कानून का सहारा लिया था। हमारे भारत में कानून पर हम भरोसा करते हैं। हम जब केस जब उन्होंने मेरे को चेक दिया, तो चेक जब बाउंस हुआ तो हमने उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत एक्शन लिया था, कानून पर विश्वास दिखाया था। 5 सालों से वो कानून के साथ खेल रही थी, आँख बिचोली कर रही थी, कानून में आ नहीं रही थी। वो यहाँ से जिस कानून में लचीलापन है उसको एंजॉय कर रही थी वो। लेकिन जब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि आपको सही से हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो आप जहाँ भी हो वहाँ से अरेस्ट लाया जाएगा आपको, जब कोर्ट का गंभीर दबाव पड़ा तो उनको हाजिर होना पड़ा। आज जब हाजिर हुई तो उन्होंने अपना रिक्वेस्ट किया है वहाँ पे, तो कोर्ट ने ये बात बोला कि चूँकि आज डेट नहीं है, आप डेट से पहले आ गई हैं। 21 तारीख को उनके ऊपर हम लोग का मांग था कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए और रांची पुलिस भेज कर जहाँ भी अरेस्ट किया जाए, तो उसी डर से वो आज ही 2 दिन पहले ही आ गई। कोर्ट ने कहा कि 21 को डेट है, आपको 21 तारीख को फिर दोबारा सशरीर आना पड़ेगा, उस दिन डेट पर अपन आके बात मूव करें। अभी तब तक हम आपको बेल अलाउ करते हैं, लेकिन कंडीशनल बेल है कि 21 जून को आपको सशरीर कोर्ट में फिर से हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो बेल कैसे करेंगे? आज सरेंडर करने आई थी ऐसा पता चला। हाँ, आज उन्होंने सरेंडर करने आई थी, तो चूंकि उनके ऊपर जो वारंट इशू था वो अवेलेबल वारंट था, वो चाहती तो मुंबई में ही बेल ले सकती थी, है ना। लेकिन यहाँ आई आकर के कोर्ट ने भी कहा कि आपको आज क्यों आई, आपको 21 तारीख को ही आना चाहिए था, 2 दिन बाद ही आती हैं आप, है ना। तो चूंकि आज उनको किसी ने सिखाया होगा, नहीं तो उस दिन उनके ऊपर पुलिस अरेस्टिंग के चला जाता होगा। क्यों नहीं बोलेंगे, कंप्लेन केस हुआ था 420, 420B और 138 NI एक्ट में हुआ था, बट वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में है कुछ सेक्शन में स्टे लगा हुआ है और वहाँ से डायरेक्शन हुआ कि आप जो है NI एक्ट को केस को आगे प्रोसीड कीजिए, तब इनको फ्रेश समन हुआ, वारंट हुआ, अवेलेबल वारंट हुआ। फिर उसके बाद से बहुत इनको दबाव दिया गया, जो एड्रेस में ये इन्होंने भेजा था, अपना एड्रेस दिया था, उस एड्रेस को इन्होंने लिखवा दिया कि यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। तब फिर हम लोग फ्रेश दूसरा ऑर्डर ये एड्रेस दिए। उसके बाद से फिर हम लोग DGP वहाँ जो DGP वगैरह होते हैं उनको यहाँ से वारंट की कॉपी भिजवाई गई, वहाँ से दबाव बना और न्यायालय का दबाव बना, तो आज उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर में उनको बेल मिला। चूँकि बेलेबल सेक्शन है इसलिए बेल मिला और बेल में एक डायरेक्शन दिया गया है कि जो डेट इस केस में फिक्स है उस डेट को आपको फिजिकल हाजिर और यदि नहीं होते हैं तो आपका बेल बॉन्ड कैंसिल कर दिया जाए। मैम बेल क्या 21 तारीख के लिए बेल मिला? ऑर्डर तो देख के लग रहा है कि 21 तारीख तक जब माना जाता है कि जिस दिन आप हाजिर होने के लिए दिया गया है उस दिन आपको आना पड़ेगा, और आप नहीं आते हैं तो कोर्ट है, कोर्ट जो ऑर्डर करें। इतने दिनों तक लिखा छुपा खेलती रही कोर्ट के साथ, ये लगभग 5 सालों तक खेलती है। आपने कुछ सख्त निर्देश हिदायत दी लगाया नहीं? चूँकि जो प्रोसेस है कोर्ट प्रोसेस से चलता है और कोर्ट अपना प्रोसेस में आगे बढ़े, लेकिन ये केस की इनको पूरा केस का जानकारी होते हुए भी ये कोर्ट को इग्नोर करती रही। हुआ क्या कि अगर जो हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है, तो भाई आप रांची से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, बीच में एक हाईकोर्ट भी पड़ता है और हाईकोर्ट भी गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, और आज के डेट में बोल रहे हैं कि हमको केस का नॉलेज नहीं है, तो ये तो आम आदमी को और कोर्ट को बेवकूफ़ बनाना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।